तो वेलकम फ्रेंड्स। तो हम अरे हमने तो मिटा दिया इसको, चलो ठीक है। हम अभी वही पढ़ रहे थे वाटर पॉल्यूशन, पॉल्यूटेंट्स यानी जो जल प्रदूषक हैं वो, उनके बारे में पढ़ रहे थे जिनसे जिनसे जल प्रदूषित होता है और उनका अपने इन्वायरमेंट पर और हमारी बॉडी पर खुद पर क्या असर पड़ता है। डिफरेंट विभिन्न जल प्रदूषक और उनका असर हमारी बॉडी, ठीक है। तो आगे चलते हैं। वो जो अभी पिछले एपिसोड में हमने आपको जो बताया था कि कैसे जो हमारी जो यूरिया जो यूज होती है खेतों में, जिनसे नाइट्रेट छूट मतलब बनता है, जो नाइट्रेट्स जो बनते हैं यानी नाइट्रोजन के कंपाउंड, और डीएपी जो हम लोग यूज करते हैं यानी फास्फेट जो यूज करते हैं हम अपने फास्फेट्स, ठीक है। तो जो हम लोग यूज करते हैं साथ फास्फेट साथ 3- होता है, तो इनका ये केमिकल कंपाउंड है, इनका यूज नहीं करते हैं, करते हैं सीधा सीधा नाम लिखते हैं नाइट्रेट्स, हिंदी में भी बोल सकते हो नाइट्रेट्स, फास्फेट्स, ठीक है, और अमोनियम कंपाउंड या अमोनियम साल्ट्स, डीएपी भारत में इस नाम से खाद बहुत फेंकती है, डाई अमोनियम फास्फेट यानी अमोनियम साल्ट फास्फेट साल्ट, और यूरिया में नाइट्रोजन ज्यादा होता है तो उसको उससे पैदा होते हैं नाइट्रेट्स वगैरह। तो ये जब पहुंच जाते हैं जलाशयों में या डिफरेंट टाइप की वाटर बॉडीज में यानी जल बॉडीज में या जल जलाशयों में, नदियों में, झीलों में, समुद्रों में, जहां भी पहुंचते हैं, तो हमने क्या बताया था कि ये वहां की जो वेजिटेशन है यानी कि वहां की जो वनस्पति है उसका ग्रोथ कर देती है, बहुत तेजी से ग्रोथ करती है, उसको बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। जो एकदम से जो बढ़ जाती है ना पूरे तालाब में जो जो वनस्पति, जैसे चाहे काई हो या कोई और जलीय वनस्पति हो, जो बढ़ के पूरा भर देती है तालाब को, तालाब गायब हो जाता है, बस केवल हरा ही हरा दिखाई देता है, तो इस चीज को बोलते हैं यूट्रोफिकेशन, ठीक है, याद रखना। ये एक तरह से बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन है, मतलब कोई स्पीसीज बहुत ज्यादा बढ़ गई, विशेषकर वनस्पतियां, इसका नाम यूट्रोफिकेशन होता है, ठीक है ना। बाद में फिर वही पौधे सड़ते हैं और उस तालाब से ऑक्सीजन खत्म कर देते हैं जिससे वहां पर मौजूद जीव जंतु मर जाते हैं। चलो आगे आते हैं, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। उसी में हम कंटिन्यू कर रहे हैं पिछले वाले एपिसोड से। देखो बहुत से पावर प्लांट्स चलते हैं, पावर प्लांट्स मतलब थर्मल पावर प्लांट्स या बहुत सी फैक्ट्रियां, तो इन जगहों पर कूलिंग की बहुत रिक्वायरमेंट होती है, मशीनों की कूलिंग, टरबाइन की कूलिंग, ये सब चीजें बहुत रिक्वायरमेंट होती हैं। तो जहां वहां पर जो कूलिंग रिक्वायरमेंट होती है तो वहां से क्या होता है कि पानी जब मशीनों को या टरबाइन को या स्टीम को सबको कूल करते हुए जब निकलता है तो वो वहां से जो डिस्चार्ज वाटर होता है उसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है, ठीक है। उसका जो निकलता है जो फैक्ट्रियों से जो वाटर, उसका टेम्परेचर हाई होता है। अब ये क्या है कि ये वाटर मान लो केमिकली आपने ट्रीट कर दिया, केमिकली तो आप ट्रीट कर देते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसको कोई बहुत देर तक कूल करने का कोशिश नहीं करता है और बहा देता है। तो जब हॉट वाटर पास की वाटर बॉडीज में पहुंचता है, चाहे तालाब में पहुंचे, चाहे बहुत बड़ी नदी में पहुंचे, चाहे झील में पहुंचे, तो जब पहुंचता है ना तो ये उस तालाब के पानी का या उस झील के पानी का, नदी के पानी का, जिसका भी हो पानी, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है।
पूरी वाटर बॉडीज का टेम्परेचर बढ़ता है। जब वाटर में टेम्परेचर बढ़ता है तो उस वाटर में मौजूद जो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन वो वहां से उड़ जाती है, निकल जाती है, गायब हो जाती है, क्योंकि जो गैसें होती हैं वो द्रव में तापमान बढ़ने के साथ बहुत उनका घुलना डाउन हो जाता है, वो डिजॉल्व नहीं हो पाती हैं। गैसें ठंडे लिक्विड में जितना डिजॉल्व होंगी, गर्म में डिजॉल्व नहीं होंगी। आप पानी को भगोने में गर्म कीजिए या किसी पॉट में रख के गर्म कीजिए गैस पर, जब आप गर्म करेंगे तो उस वाटर में मौजूद जो गैसें हैं, चाहे वो ऑक्सीजन हो या कोई गैस हो, वो बबल बना के निकलने लगती है, यानी उड़ने लगती हैं। तो जब उस वाटर बॉडीज का टेम्परेचर बढ़ता है फैक्ट्री से निकले हुए इस हॉट वाटर या हॉट ड्रेनेज के कारण, तो उस वाटर बॉडीज में ऑक्सीजन की मात्रा घटने लगती है, और जाहिर सी बात है इसका असर सीधा उन वहाँ पर रहने वाले जीव जंतुओं को पड़ता है, वो मर जाते हैं। और दूसरा, जहाँ पर जस्ट ये हॉट वाटर गिरता है तो उसके पास तो ऑक्सीजन के बहुत पास तो ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं रह जाती है, तो वहाँ तो जीव जंतुओं के बचने का सवाल ही नहीं है। और तीसरा क्या है कि जब टेम्परेचर अचानक बढ़ जाता है तो वहां पर जीव जंतुओं का जीवन वैसे भी खतरे में आ जाता है। जैसे कि हम लोगों को बहुत गर्म कमरे में रख देते हैं तो क्या होता है, हमारी सांसें तेज होने लगती है, पसीना बहने लगता है, यानी मेटाबॉलिज्म हमारा हाई हो जाता है, हमारा जो शरीर का जो संचरण है यानी मेटाबॉलिज्म है वो तेज हो जाता है, पसीना हम छोड़ने लगते हैं हमारा कूलिंग के लिए, चूंकि हमको कूलिंग चाहिए, अब और कोई मीडियम तो मिल नहीं रहा, तो पसीना छोड़ के अपने शरीर को ठंडा होता है, वो ऑटोमेटिक प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है। और फिर आपकी जो दिल की धड़कन है ना वो बहुत तेज चलने लगती है, तो इसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म हाई हो जाता है। इसका सीधा असर आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी पर पड़ता है, मतलब आपका जीवन घटने लगता है। अगर आपको बहुत हाई टेम्परेचर पर कोई बहुत देर तक रखेगा तो धीरे धीरे आपका सारा वाटर या सारा शरीर इतनी मेटाबॉलिज्म के चलते कोलैप्स हो सकता है, आपका वाटर निकल सकता है, तो आपकी बॉडी मतलब कोलैप्स हो सकती है। तो समुद्र में या नदियों में रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं ना, उनका भी बॉडी जो मेटाबॉलिज्म के कारण बहुत मतलब अनइजी हो जाता है, तो और उनके उनके जीवन पर असर आता है। तो मेटाबॉलिज्म हाई होता है, ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है जीवों की, तो जीवों का वहां बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसको बोलते हैं हीटिंग पोल्यूशन या हीट पोल्यूशन। हीट वाटर पोल्यूशन, ठीक है। अब क्या है कि देखो, अब वाटर तो हमको चाहिए ही चाहिए, ऐसा तो है नहीं कि बिना वाटर के हम जी सकते हैं या हमारे काम चल जाएंगे। अब हमको इंडस्ट्री चलानी है तो इंडस्ट्री में पावर प्लांट चलाना है तो पानी कहाँ से आएगा, पानी हम लोग इन्हीं वाटर बॉडीज से लेते हैं। ज्यादातर पावर प्लांट कहाँ लगाए जाते हैं, जहां पर पानी भरपूर मात्रा में मौजूद हो, यानी नदियों के किनारे, किसी बड़े तालाब, बहुत बड़ी झील के किनारे या समुद्र के किनारे, वहां से पानी लिया जाता है कूलिंग के लिए, ताकि टर्बाइन को कूल किया जा सकता है। अब अगर उस पानी में सेडिमेंट होगा यानी सॉइल होगी, सॉलिड पार्टिकल्स होंगे जैसे रेत वगैरह, ये सब होंगे, तो ये क्या करेंगे, ये टर्बाइन जो कि बहुत महंगी चीजें हैं उनको उनको इरोड कर देंगे, यानी वो पार्टिकल जब ब्लेड में जब लगेंगे ना, वही सॉलिड रेत के पार्टिकल्स, तो एब्रेजिंग होती है। एब्रेजिंग मतलब एक तरह से ब्लेड घिस जाती हैं, ब्लेड खराब हो जाती हैं। तो ये जो पानी में मौजूद जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, यानी ये जो सॉइल, सैंड, सॉलिड पार्टिकल्स या अदर टाइप के, यानी सस्पेंडेड वाटर कह सकते हो इन द कॉमन नेम, ये मशीनों को खराब कर देते हैं, मशीनों की ब्लेड्स वगैरह को तोड़ देते हैं, उनको घिस डालते हैं। दूसरा, अगर आपके इंडस्ट्री में यूज होने वाले वाटर में जरूरत से ज्यादा मिनरल्स हैं, यानी मिनरल्स यानी साल्ट्स हैं कह सकते हो,
तो ये भी जंग लगा देते हैं पूरी मशीनों में। इसीलिए बोलते हैं कि डीएम वाटर यूज करो, डीएम वाटर यानी कि, अब डीएम मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं, डीएम वाटर मतलब डी मिनरलाइज वाटर, डी मिनरलाइज्ड वाटर। अब डी मिनरलाइज्ड वाटर यानी वाटर में ज्यादा मिनरल ना हो, ज्यादा उसमें नमक या लवण ना हो फालतू के। तो अब डीएम वाटर बनाने का कॉस्ट बहुत ज्यादा आता है, तो आप जितना ज्यादा फालतू का वाटर में लवण बढ़ाएंगे, चाहे वो जिस मीडियम से आ रहा हो, एक दिन इंडस्ट्री को यूज करने के लिए आपको उसी वाटर को, जब आपको डीमिनरलाइज बनाना होगा यानी मिनरल रहित बनाना होगा मशीनों में यूज करने के लिए, तो आपका बहुत ज्यादा खर्चा भी आएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से पोल्यूशन हुआ। आगे चलते हैं, ये हीट पोल्यूशन हो गया वाटर का। रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, अगर रेडियो एक्टिव पोल्यूशन मतलब, मतलब कि अगर कहीं पर रेडियो एक्टिव दुर्घटना होती है, न्यूक्लियर डिजास्टर होता है, जैसे फुकुशिमा में 2011 में हुआ, तो क्या होता है कि रेडियो एक्टिव मटेरियल आपका जा सकता है समुद्र में या वाटर बॉडीज में, पास वाली वाटर बॉडीज में, और उसमें मौजूद जो रेडियो एक्टिव केमिकल्स हैं वो आपकी बॉडी में जा सकते हैं। तो ये भी एक तरह का बहुत मतलब गंभीर मतलब वाटर प्रदूषण हुआ। ठीक है, और घर में यूज होने वाला डिटर्जेंट्स, घर में यूज होने वाले डिटर्जेंट्स, उसमें सोडियम पोटेशियम ये सब आयंस होते हैं, तो ये भी वही काम करते हैं यूट्रोफिकेशन का। ये जो डिटर्जेंट्स होते हैं ये भी वही काम करते हैं किसका, क्या यूट्रोफिकेशन का। ठीक है, तो ये भी जब पानी में जब जाते हैं तो वहां पर मौजूद जो वनस्पति है उसकी ग्रोथ हो जाती है, और जब वो बाद में सड़ती है तो उस वाटर बॉडीज में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। दूसरा, ये लवण जो है, और भी जो लवण जो यूज होते हैं वाटर में, ये लौट के हमारी बॉडी में भी आ सकते हैं, यानी हमारी बॉडी में आ भी सकते, आ जाते हैं, हमारे फूड चेन में शामिल हो जाते हैं। ठीक है, जिनसे छुटकारा पाना मुश्किल होता है। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे हमको मतलब छुटकारा नहीं मिलता है, अब हमको ढोना ही पड़ता है, डिटर्जेंट के बिना काम नहीं चल सकता है। और भी कारण कह सकते हो, अब थोड़ा कन्वेंशन पर आते हैं। फैशन, फैशन देखिए, जितना ज्यादा आप कपड़े यूज एंड थ्रो करते हो उतना ही ज्यादा पानी का नुकसान होता है, यानी वाटर का पोल्यूशन होता है। कैसे, अमूमन एक जीन्स और एक टी शर्ट के लिए लगभग लगभग 8,000 से 9,000 लीटर पानी बोलते हैं यूज होता है, क्योंकि जो कॉटन वगैरह होता है ये बहुत पानी सोखता है, इसकी खेती में बहुत ही ज्यादा पानी लगता है। और ऊपर से जब इनकी कपड़ों की जब डाई वगैरह की जाती है, यानी उनकी कलरिंग की जाती है, तो वो जो डाई होती है, डाई वो ज्यादातर एरोमेटिक कंपाउंड्स या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, वो जब पानी में जाते हैं तो कहाँ जाते हैं, किसी न किसी साफ नदी को ही मतलब प्रदूषित करते हैं, किसी न किसी फ्रेश वाटर बॉडी को ही पल्यूट करते हैं। फ्रेश वाटर बॉडी को पल्यूट करते हैं मतलब एक तरह से वो पानी पीने के काम आ सकता था, नहाने के काम आ सकता था, जानवरों के काम आ सकता था, पशु पक्षियों के काम आ सकता है, मतलब आ सकता था शुद्ध वाला। अब जब लोग उसका यूज करते हैं तो वो गंभीर रूप से बीमार पड़ जाते हैं। तो यही सब है, ठीक है, पोल्यूशंस, और आप सबको इनके बारे में जानना चाहिए, और जहाँ तक संभव हो आप
पानी का मतलब पानी में प्रदूषण जाने से रोकें और कम से कम प्रदूषण फैलाएं। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगले एपिसोड में हम लोग एयर पोल्यूटेंट्स के बारे में बात करेंगे कि डिफरेंट टाइप के जो एयर पोल्यूटेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं और उनका बॉडी पर क्या यूज पड़ता है। चलो मैं एक चीज बताना भूल गया, मैं इसको बताता हूँ। ये तो आप समझ गए होंगे इतने टाइप के पोल्यूशन जो चल रहे हैं, एक और पोल्यूशन बताता हूँ, बहुत मेन पोल्यूशन। एसिड रेन, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट का भी वाटर बॉडीज पर पॉल्यूशन होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट से भी या गैसेस जो यूज होती हैं उनसे भी वाटर बॉडीज में पॉल्यूशन होता है। जैसे जैसे मान लो कौन सी सबसे फेमस ग्रीन हाउस गैस है जो सबसे ज्यादा मात्रा में पैदा होती है हम लोगों के द्वारा? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब हम लोग ढेर सारी कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करते हैं, वो आकाश में जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने वाला विश्व में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी चीज है? समुद्र, अपना महासागर। अपना महासागर लगभग 80% जो हम लोग प्रोड्यूस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, धरती पर प्रोड्यूस होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड का 80% भाग वो सोखते हैं बेचारे महासागर। तो महासागर में मौजूद जब पानी उसको सोखता है तो रिजल्ट में बनता है कार्बोनिक एसिड। ये इसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। तो जब एसिड जब बनकर ये समुद्र में जब घुल जाती है कार्बन डाइऑक्साइड तो वाटर हो जाता है एसिडिक, यानी अम्लीय। क्या हो जाता है? अम्लीय हो जाता है वाटर। वाटर जब बिल्कुल शुद्ध हो, न्यूट्रल हो, तो उसका एक नंबर होता है जिसको बोलते हैं पीएच नंबर। पीएच नंबर जो उसका जो पीएच नंबर जो होता है वो न्यूट्रल वाटर यानी शुद्ध वाटर का होता है 7। जैसे ही वाटर में एसिड ज्यादा होने लगता है पीएच की वैल्यू घटने लगती है, यानी 6 हो सकती है, 5 हो सकती है, 4 हो सकती है, 3, 2, 1। जितना ज्यादा पीएच की वैल्यू घटती जाएगी हम बोलेंगे कि हमारा पानी उतना ही ज्यादा अम्लीय होता जा रहा है, यानी एसिडिक होता जा रहा है। पीएच वैल्यू घटती है तो इसका सीधा असर जीव जंतुओं पर पड़ता है। जीव जंतु अम्लीय वातावरण में रहने लगते हैं जिससे वो मर भी सकते हैं। दूसरा, समुद्र में मौजूद जो जो कोरल रीफ्स होती हैं, कोरल रीफ्स यानी मूंगा चट्टाने, मूंगा चट्टाने, अगर आप कोरल रीफ्स को जानना चाहो तो हम इसके बारे में एकदम अलग से पूरा चैप्टर बनाएंगे। लेकिन मूंगा चट्टाने क्या है तो जरा गूगल पर आप कोरल रीफ्स या मूंगा चट्टाने टाइप करके उसकी एक फोटो देख लीजिए। ये समुद्र में मौजूद रंग बिरंगी दुनिया है। कोरल्स जो है वो रंग बिरंगी दुनिया बनाते हैं। ठीक है, कोरल रीफ्स दुनिया के सिर्फ दुनिया में जितना समुद्री क्षेत्र है उसमें सिर्फ 1% भाग पर ही पाए जाते हैं, लेकिन पूरे समुद्र में पाए जाने वाली 25% जो जीवों की जो संख्या है, आबादी है, वो इन्हीं कोरल रीफ्स में ही अपना आवास बनाती है, यहीं प्रजनन करती है और यहीं अपना जीवन यापन करती है, यहीं उसकी उसका फूड मिलता है उनको। या कह सकते हो कि जो कोरल रीफ्स हैं यही हमारी जो समुद्रों से जो मिलने वाला जो फूड है, यानी मछली, केकड़ा, घोंघा, जो भी हम खाते हैं, झींगा मछली, मतलब जो भी हम खाते हैं समुद्र से, वो कोरल रीफ्स की देन है। ठीक है, भारत में भी कोरल रीफ्स पाए जाते हैं, जैसे कि गुजरात में कच्छ एरिया में खूब कश के कोरल रीफ पाई जाती है। थोड़ा आर्थिक गतिविधियों से उनको खतरा भी हो जाता है। दूसरा, मन्नार गल्फ, मन्नार की खाड़ी, कोरल रीफ, बहुत कोरल रीफ होती है वहां पर, मतलब है
कोरल रीफ को बनने में होती नहीं है, कोरल रीफ को बनने में लाखों साल लगते हैं। कोरल रीफ की चट्टानों को डेवलप होने में लाखों साल लगते हैं, तो वो बनती नहीं है, होती नहीं है, पैदा नहीं होती है, वो लाखों सालों से बनकर अब तैयार हुई। अगर आप उसको नुकसान कर देंगे तो हमको वो, हम उसको दोबारा पैदा करने की हालत में नहीं रहेंगे, क्योंकि उसके लिए फिर लाखों साल चाहिए। कोरल रीफ सीधा हमारे फूड रिक्वायरमेंट से जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो 25% समुद्री जीवों को आश्रय देती हैं, उनको भोजन, उनको प्रजनन का स्थान देती हैं, और जिनमें से मैक्सिमम जो है वो हमारी खाद्य श्रृंखला में आती हैं, हम लोग खाते हैं उनको। मन्नार गल्फ यानी मन्नार की खाड़ी, आपकी पाक स्ट्रेट यानी पाक डमरू जलमध्य एरिया, उड़ीसा का रीजन, उड़ीसा का जो रीजन है वहाँ पर भी कोरल रीफ्स अच्छी, मतलब अपने देश की अच्छी अवस्था में पाई जाती हैं। और अपना जो अंडमान निकोबार है वहाँ पर टॉप क्लास की कोरल रीफ्स हैं। ठीक है, तो कोरल रीफ्स जो हैं वो ऑक्सीजन जनरेट करती हैं और हमारे लिए भोजन की व्यवस्था भी करती हैं। जरा सा अम्लीय वातावरण अगर बढ़ता है तो ये जो कोरल रीफ्स होते हैं ये मर जाते हैं, ये बोलते हैं इनको। और कोरल रीफ्स जब खत्म होते हैं ना, उनको एक शब्द दिया जाता है कि कोरल ब्लीचिंग, उनको एक नाम दिया जाता है, मतलब कोरल ब्लीचिंग। जब अम्लीयता बढ़ती है यानी जब एसिडिटी बढ़ती है समुद्र की, तो कोरल ब्लीचिंग होता है। कोरल ब्लीचिंग का मतलब कोरल रंग बिरंगा नहीं होकर सफेद हो जाता है और मर जाता है। इसके मरने से ही वहां का सारी मछलियों को अपने प्राण गंवाने ही हैं, यानी हमारे लिए जो भोजन है वो खत्म होना है। दूसरा, जब ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा तो समुद्र का तापमान भी बढ़ेगा। यकीन नहीं करोगे, केवल 2% 2 डिग्री अगर तापमान बढ़ गया तो लगभग 95% कोरल्स यानी ये कोरल यानी मूंगा चट्टाने मर जाएंगे। केवल 2 डिग्री बढ़ा दो तो मर जाएंगे। अगर मान लो 37 डिग्री टेम्परेचर समुद्र का माना जाता है, जो 39 हो जाए तो सारा कोरल चट्टाने मर जाएंगे। ये टेम्परेचर की भी प्रति बहुत सेंसिटिव होती है कोरल रीफ्स। तो ग्रीन हाउस गैसेस से क्या होता है कि नुकसान बहुत तगड़ा है, कि हमारे समुद्र की पूरा कोरल रीफ और वहां का जो वाटर है वो सब चेंज हो जाएगा। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट का भी वाटर पोल्यूशन में योगदान है। ठीक है, और एसिड रेन, एसिड रेन क्या है? एसिड रेन आप जानते हो क्या है, अम्ल वर्षा बोलते हैं इसको। होता क्या है बताता हूं, एसिड रेन क्या होता है। कोशिश करेंगे कि इन सब पर हम आपको अलग एक वीडियो बनाकर दे दें, लेकिन फिलहाल अगर टर्म आ गया है तो उसको देख लेते हैं, एसिड रेन यानी अम्ल वर्षा। देखो, क्या होती है अम्ल वर्षा? देखो, हम कारखानों को चलाते हैं, गाड़ियों को चलाते हैं, मतलब हम लोग जीवाश्म ईंधन यूज करते हैं। जीवाश्म ईंधन मतलब फॉसिल फ्यूल्स यानी कोयला, पेट्रोलियम, ये सब जो जमीन से निकलते हैं, इनको जीवाश्म इसलिए बोलते हैं क्योंकि कोयला है और ये पेट्रोलियम है, ये सब बहुत प्राचीन काल में धरती में जो जीव जंतु और ये जो वृक्ष सब दब गए थे, वन जब जो दब गए थे, दबे हुए ऑर्गेनिक मैटर, इन्हीं का ही वो प्रोडक्ट है, कोयला हो या पेट्रोलियम हो। तो जो हम लोग व्हीकल इस्तेमाल करते हैं ना, व्हीकल्स, हाँ पहले उसके आगे थोड़ा और बता देते हैं। तो वो जो दब गए थे ना, वो क्या है, वो पेड़
जीव जंतु जो भी थे जो दब गए थे कभी, वो सब प्रोटीन ही है। प्रोटीन मतलब उनमें नाइट्रोजन और सल्फर इनके कंपाउंड्स होते हैं। किसी भी वृक्ष या मनुष्य का शरीर हो या कोई जीव जंतु हो, उनमें नाइट्रोजन और सल्फर तो होता ही है, कसके उन्हीं के कंपाउंड है प्रोटीन। तो वो जब दब गए तो वो बन गए कोयला और पेट्रोलियम, जैसे गैस हुआ CNG, LNG, LPG, पेट्रोलियम, डीजल, ये सब गैसें, और किरोसिन वगैरह, ये सब प्लास्टिक्स, ये भी पेट्रोलियम के बाई प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। और ये हमारा कोयला वगैरह, ये सब, तो ये सब जीवाश्म ईंधन कहे जाते हैं, यानी फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं इनको। और इनमें नाइट्रोजन और सल्फर पाया जाता है। तो जो जो कोयला होता है, कोयला उसको जलाने पर सल्फर ट्राईऑक्साइड बहुत ज्यादा बनती है। जो सल्फर ट्राईऑक्साइड, सल्फर डाईऑक्साइड, ये सब बहुत ज्यादा बनती है, यानी सल्फर गैसेस बहुत बनती हैं, सल्फर के ऑक्साइड्स बहुत बनते हैं। तो जहाँ जो ये थर्मल पावर प्लांट्स जो होते हैं, जो कोयला का यूज करते हैं, वहां से सल्फर गैस बहुत निकलती है, सल्फर के ऑक्साइड्स। और जो हम लोग जो ये गाड़ियां चलाते हैं, पेट्रोल, ये सब व्हीकल्स ट्रांसपोर्ट, इनसे नाइट्रोजन के ऑक्साइड ज्यादा निकलते हैं, यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, इनको संक्षेप में लिखते हैं NOx। सिमिलरली सल्फर ट्राईऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इनको भी संक्षेप में लिखते हैं SOx। इसका मतलब सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। तो ये सब गैसें ढेर सारी निकलती हैं। जब ये गैसें जब वायुमंडल में जाती हैं और बादलों के संपर्क में आती हैं, तो बादलों में मौजूद जो वाटर होता है, वाटर, वो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जो होते हैं इनके साथ क्रिया करके बनाता है नाइट्रिक एसिड, फाइनली नाइट्रिक एसिड। और जो सल्फर के जो ऑक्साइड्स होते हैं, बादलों में मौजूद वाटर इनके साथ क्रिया करके बनाता है सल्फ्यूरिक एसिड। फिर ये सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बारिश के साथ हम पे गिरते हैं, ठीक है। जो पानी का, जो पानी गिरने वाला जो न्यूट्रल होना चाहिए, यानी जिसका पीएच 7 होना चाहिए, उसका पीएच 7 से कम होने लगता है, यानी वो अम्लीय होने लगता है, क्योंकि ये अम्ल है। तो ये जो एसिडिक वाटर होता है, ये जब गिरता है पेड़ों पर, जीवों पर, और यानी जो अम्ल वर्षा होती है बारिश के साथ, जो एसिड गिरता है, ये जीवों पर गिरता है, उनको नुकसान पहुंचाता है। पेड़ों पर गिरता है तो उनकी पत्तियों को पीला कर देता है, या उनमें जो क्लोरोफिल होता है उनसे रिएक्शन करके पत्तियों का रंग उड़ा देता है। पत्तियों में फोटोसिंथेसिस करने की, यानी प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता गिरा दे, कम क्षमता कम कर देता है, जिससे पेड़ों की ग्रोथ खत्म हो जाती है, या कह लो कि रुक जाती है। यही जब एसिड्स बिल्डिंग्स पर गिरते हैं, यानी इमारतों पर गिरते हैं, तो उनमें मौजूद जो कैल्शियम वगैरह होता है उनसे रिएक्शन कर लेते हैं, तो वो सब खराब हो जाती हैं बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे ताजमहल को भी अगर ये कंटिन्यू इनके संपर्क में ऐसे ही एसिड रेन होती रहे, तो ताजमहल को भी की जो संगमरमर है वो खराब हो जाएगी। तो ये बिल्डिंगों को नुकसान पहुंचाते हैं, जीवों को नुकसान पहुंचाते हैं, पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं, ये टोटल नुकसान पहुंचाते हैं। और समुद्र में जगह इनकी काफ़ी मात्रा आ जाती है, तो फिर ये काम होता है कि समुद्री वाटर उनके चलते भी एसिडिक हो सकता है, कोरल रीफ मर सकती हैं, वहाँ के जीव जंतुओं पर भी खतरा आ जाता है। तो ये थे डिफरेंट टाइप के वाटर पोल्यूटेंट्स और उनके असर मनुष्यों पर, जीवों पर और
समुद्र में पाए जाने वाले वनस्पति पर, प्रकृति में पाए जाने वाले वनस्पति पर, प्रकृति में पाए जाने वाले जीवों पर, सब पर, ठीक है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे डिफरेंट एयर पोल्यूटेंट्स और उनके इफेक्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।